मैं कहां रुकता हूं, अर्श ओ फर्श की आवाज से मुझको जाना है बहुत दूर तलक हदे परवाज से। ये कहानी है एक ऐसे हिंदुस्तानी की जो रामेश्वरम की एक मामूली खानदान में पैदा हुआ, जिसके वालिद जैनुल आबिदीन के पास न कोई तालीम थी और ना ही कोई दौलत। वालदैन बड़े ही नेक थे। उनके पास जो बेशकीमती दौलत थी वो था उनका हौसला और दानाई। रामेश्वरम की बहुत पुरानी मस्जिद के करीब 19वीं सदी के बने हुए एक पुश्तैनी मकान में रहा करते थे, जहां हिंदू मुस्लिम बड़े प्यार से रहा करते थे। आ गए कलाम? जी अम्मा। अम्मा बहुत भूख लगी है। आओ आओ बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। जा बेटा मुंह हाथ धो के आ जा, मैं खाना लगा देती हूँ। अम्मा पानी दो। ले। अच्छे से खाओ। कलाम बेटा खाना हुआ? जी अब्बा। चलो नमाज अदा करें। रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुरोहित लक्ष्मी शास्त्री कलाम के वालिद के अच्छे दोस्त थे। कलाम के वालिद मुश्किल से मुश्किल रूहानी बातों को सादा जुबान में बयान कर देते। कलाम स्कूल की पढ़ाई में बड़ी दिलचस्पी लेते, क्लास में आगे बैठने के लिए बेचैन रहते। लेकिन एक दिन, कलाम मैंने सुना है आज नए शिक्षक आने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरी हिम्मत कैसे हुई पंडित शास्त्री महाराज के पुत्र के साथ बैठने की? मैं तो इसका उठ पीछे जाके बैठ मूर्ख। कलाम मायूस घर लौटे। वालिद ने मायूसी देखकर कलाम से पूछा, कलाम क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा। खाओ बैठो यहाँ पे। क्या हुआ? जब आफत आए तो आफत की वजह समझने की कोशिश करो। जी अब्बा। मुश्किलें हमेशा खुद को परखने का मौका देती। और पंडित जी सब कुशल मंगल तो है? बस बस देवान का कृपा है। चलो बढ़िया है, मिलते हैं फिर। ठीक है। कलाम कलाम आपको पिताजी बुला रहे हैं। गुरुजी ईश्वर के लिए हर एक बच्चा एक समान है। कलाम से माफी मांगे। मुझे क्षमा करे कलाम। कलाम को बचपन में जिन दो लोगों ने मुतासिर किया उनमें कलाम के बहनोई जलालुद्दीन और उनके चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। जलालुद्दीन पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमेशा वो साइंस की इजाद, मेडिसिन और लिटरेचर की बातें किया करते थे। कलाम की कजिन शमसुद्दीन के पास रामेश्वरम में अखबारों की एजेंसी थी। दूसरी आलामी जंग में रामेश्वरम में ट्रेन का रुकना बंद कर दिया गया। अब चलती ट्रेन से अखबार फेंक दिए जाते थे। शमसुद्दीन ने अपने मददगार की हैसियत से कलाम को अपने साथ कर लिया। इस तरह अखबारों को जमा करना और तकसीम करने का काम कलाम को हासिल हो गया। कलाम को बचपन से परिंदों की परवाह खिंचा करती थी।
वो बड़ी गौर से उनकी परवाजों का मुशाहदा करते। परिंदों को देखकर कलाम के दिल में एक ऊंची उड़ान उड़ने का ख्वाब जाग उठा, और हुआ भी यही, ख्वाब हकीकत बना। रामेश्वरम के आसमान में उड़ने वालों में वो पहले शख्स थे। आज़ादी की नई सुबह होने वाली थी। कलाम ने अपने वालिद से रामेश्वरम छोड़ने की इजाज़त मांगी। त्रुची के सेंट जोसेफ कॉलेज से बीएससी के बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी की लिस्ट में नाम आ गया। आपके एडमिशन का क्या हुआ एमआईटी में? एमआईटी में मेरा सिलेक्शन तो हो गया है, मगर एडमिशन के लिए 1,000 रुपए की मांग है। वालिदैन के पास ये रकम नहीं थी, मामला मुश्किल दिखाई दे रहा था। अंधेरों में डूबते हुए कलाम के मुस्तकबिल में रोशनी बनकर उनकी बड़ी बहन सामने आई। 1,000 रुपए? हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? अब्बा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये लीजिए मेरे जेवर, आप इन्हें बेचकर अब्दुल का दाखिला करवाइए। एमआईटी में कलाम को बड़ा मजा आता। वो दोस्तों के साथ कभी तन्हाई में वहाँ रखे हुए हवाई जहाज को बड़ी गौर से देखा करते। घंटों वहाँ वक्त गुजर जाता, जबकि दूसरे दोस्त हॉस्टल लौट जाया करते थे। कलाम के सामने एमआईटी में दूसरे साल जब स्पेशल ब्रांच सिलेक्ट करने की बात आई, तब फौरन ही उन्होंने फैसला ले लिया। कलाम, तुम यहाँ क्या करते हो? वैसे तो मैंने ठान लिया है, मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ही चुनना है। वैसे भी तुम अपना खाली वक्त यही बिताते हो ना? हाँ जी जी हाँ। एमआईटी से कलाम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL में एक ट्रेनी की हैसियत से शामिल हो गए। जब कलाम एरोनॉटिकल इंजीनियर बन के निकले तो उनके सामने जिंदगी की उड़ान के ख्वाब को पूरा करने के लिए दो मौके मिल रहे थे, एक एयरफोर्स का और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का। एक साथ दोनों मुकाम से कॉल आ गया। एयरफोर्स के लिए देहरादून और डिफेंस के लिए दिल्ली जाना पड़ा, करीब 1,000 किलोमीटर दूर। APJ अब्दुल कलाम, आपका खाता है। मैंने 25 उम्मीदवारों में से 9वां नंबर पाया है, लेकिन सिर्फ 7 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मेरी दिलो जान से ख्वाहिश थी कि मेरा भी सिलेक्शन हो जाए। ख्वाहिशें अगर दिलो जान से निकली हो, सच्ची हो और उसमें शिद्दत हो, तो वो पूरी ही होती है। सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर आएंगे। दिल्ली के इंटरव्यू का नतीजा जानने पहुंचे तो हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर थमा दिया गया सीनियर साइंटिस्ट असिस्ट का, वो भी 250 रुपये माह तनख्वाह पर। लेकिन 3 साल बाद बेंगलोर में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट स्टैब्लिश में एक नया डिपार्टमेंट शुरू हुआ और वहाँ कलाम की पोस्टिंग हो गई। 3 साल के अरसे में एक प्रोजेक्ट टीम को स्वदेशी पावर क्राफ्ट तैयार करने थी, जो वक्त से पहले हो गई, जिसका नाम नंदी प्रोजेक्ट रखा गया। नंदी प्रोजेक्ट आपसी तनाज़ों की वजह से बलाई ताक रख दिया गया। इसी दरमियान कलाम को इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च से रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए मुंबई से बुलावा आ गया। अम्मा, अपनी सेहत का ख्याल रखना, अब ये सब की जिम्मेदारी आप पर ही है। मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। बेटा खुश रहो, आबाद रहो, अपने काम में दिल लगाना। ताराबाई ने हीरे की परख कर ली और रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से कलाम को इनको स्पार्क में शामिल कर लिया गया। 1962 में इनको स्पार्क इक्विटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का फैसला केरला के थुम्बा गांव में किया गया। हिंदुस्तान में मॉडर्न रॉकेट स्पेस रिसर्च की ये पहली शुरुआत थी। कलाम के नासा से ट्रेनिंग लेके लौटने आने के बाद हिंदुस्तान ने 21 नवंबर 1963 को पहला साउंडिंग रॉकेट नाइकी अपाची लॉन्च किया। नाइकी अपाची की कामयाबी के बाद प्रोफेसर साराभाई ने इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV के ख्वाब का इजहार किया। इसे 20वीं सदी में 18वीं सदी का ख्वाब कहा जा सकता था।
वो सपना जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की हर ब्रिगेड में एक रॉकेट मैन का दस्ता हुआ करता था। टीपू सुल्तान के मैदान जंग में शहीद होने के बाद अंग्रेज़ों ने 700 रॉकेट्स और 900 सिस्टम बरामद किए। इन्हें जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। टीपू सुल्तान की इस रॉकेट तकनीक को आज की ज़बान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के साथ वो ख्वाब की भी मौत हो गई तकरीबन 150 साल के लिए। पंडित नेहरू और विक्रम साराभाई ने इस रॉकेटरी के ख्वाब को पूरा करने का बीड़ा उठाया। वो जानते थे कि भारत को खुद मुख्तार होना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की करना बेहद ज़रूरी है। रॉडों से मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार करने के प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी प्रोफेसर साराभाई ने कलाम को सौंपी। इसके साथ ही भारत पहली बार स्पेस रिसर्च का 10 साला प्रोग्राम तैयार कर रहा था जिसके ऑथर विक्रम साराभाई थे। दूसरी कामयाबी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मिसाइल पैनल का तैयार होना। नारायणन और कलाम इस पैनल के मेंबर थे। लॉन्च के चौथे स्टेज की जिम्मेदारी साराभाई ने कलाम पर सौंपी। कलाम अपनी हर मीटिंग की तफसील प्रोफेसर साराभाई को दिया करते। इस प्रोजेक्ट के दरमियान प्रोफेसर साराभाई का भी देहांत हो गया। एक बड़ा सदमा था। वो इंडियन साइंस के राष्ट्रपिता थे। साराभाई ने अपनी टीम से रहनुमा पैदा किए। वो खुद अपने अमल से उनके लिए मिसाल थे। थुम्बा के स्पेस सेंटर को विक्रम साराभाई का नाम दिया गया, VSSC। सतीश धवन को इसरो का जिम्मेदार बनाया गया और मशहूर मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश VSSC के पैनल डायरेक्टर मुकर्रर हुए। SLV-3 23 मीटर लंबा, 4 स्टेजेस का ये रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर स्पेस की तरफ रवाना हुआ, लेकिन दूसरी स्टेज काबू से बाहर हो गई। सब चीज का जिम्मेदार हूँ। अरे धीरज रखो कलाम। तब पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा और अगले ही 2 मिनटों में सैटेलाइट स्पेस में था। कलाम ने अपनी जिंदगी के अहम अल्फाज अदा किए। मैं एक जरूरी ऐलान करना चाहता हूँ। ऑल ऑफ यू काइंडली पे अटेंशन। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूँ। एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज की कामयाबी को लेकर रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। पृथ्वी की कामयाबी देश के बनने वाली दूसरी मिसाइलों का मुस्तकबिल था। बैरूनी ममालिक को बहुत ताजुब था, वो हैरान थे और परेशान भी। हर किस्म की पाबंदी लगाई गई ताकि भारत इस तकनीक में कामयाब ना हो पाए। उम्मीद से भरी कौम नाकामी को बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन वो वक्त आया जब अग्नि के शोले ना उम्मीदी के आसमान में उम्मीद की रोशनी बिखरने को तैयार थे। दिन रात मेहनत के बाद तकनीकी खामियों को दुरुस्त कर लिया गया। उड़ान के एक दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर ने कलाम से पूछा, कलाम कल अग्नि की परीक्षा के लिए तुम क्या चाहते हो? वैसे तो क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ है, मगर हम कल 1,00,000 पेड़ों की कोपले लगाएंगे। यानी तुम कल अग्नि की परीक्षा सफल होने के लिए धरती माँ का आशीर्वाद चाहते हो? फिक्र मत करो कलाम,
धरती माँ का आशीर्वाद अपने साथ। 22 मई सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। हर कदम सही निकला। मिसाइल ने जैसे सबक याद कर लिया हो, हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। 600 सेकंड की वो परवाज जिसने साइंसदानों की बरसों की थकान मिटा दी। एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आँख खोली। कलाम कहते हैं, अग्नि को उस नज़र से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। मुझे ऐसा गुरूर नहीं कि मेरी ज़िंदगी एक मिसाल बने, लेकिन ये हो सकता है कोई मायूस बच्चा किसी गुमनामी सी जगह पर किसी कमज़ोर हिस्से से ताल्लुक़ रखता है, वो ये पढ़े, उसे चैन मिले और उसकी उम्मीदें रोशन हो जाएं। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर निकाल ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो उन्हें मजबूरी ना लगे, उन्हें यकीन रहे कि वो जहाँ भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी की जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।